यू यू आई होप ऑल ऑफ़ वेल सो ओपन योर बुक फी क्लास एंड चैप्टर नंबर थ्री अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बींग इंसान के लिए जो है वो जमीन एक घर है ठीक है इससे रिलेटेड हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं आज जो है वो हम क्या करेंगे ठीक है सो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर फाइव लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव टू डन द क्वेश्चन नंबर नंबर टू यानी एक्सरसाइज नंबर टू गिव शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन एटमोसफेयर लीटोसवियर हार्डोसवेयर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोसवेयर व्यू हैव ऑल्सो डॉनिट ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लाइमेट एंड द ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल लैंडस्केप क्वेश्चन नंबर फोर वी हैव ऑल्सो डॉन इट ओके क्वेश्चन नंबर फाइव जो था वो हमने हाफ क्वेश्चन किया था and remaining the half question we can do today. Okay. क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट इज़ मैंट बाय नेचुरल इन्वायरमेंट ठीक है ये प्रीवियस लेक्चर्स में आप कर चुके हो आल्सो राइट अर नॉट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पोर्स एंड द ह्यूमन बींग्स अब इससे रिलेटेड हम ये पढ़ते हैं सो नेचुरल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था नेचुरल इन्वायरमेंट्स के लिए आपको चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है एक तो अर्थ जो है वो एज अ अन बींग अर्थ जो है वो uh, हमारे लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है एट गिव अज दिनवायरमेंट ठीक है और वो इन्वायरमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है तो उसकी वजह से हमारे लिए वो नेचुरल इन्वामेंट बन जाता है कुदरती माहौल कुदरती माहौल में चार चीज़ें होती हैं ठीक है नंबर वन आपकी फिजिकल फिजिकल लैंडस्केप एंड फिजिकल लैंडस्केप में आपके आते हैं माउंटेंस प्लेन्स एंड डेजर्ट्स यानी पहाड़ मैदान और सहरा वगैरह ठीक है क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन बींग्स क्लाइमेट्स जो है वो ह्यूमन बींग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर वार्म क्लाइमेट होगा तो वहाँ के पीपल्स जो हैं वो गर्म कपड़े पहने गर्म कपड़े नहीं लाइट क्लॉथ्स पहनेंगे यानी हल्के पतले कपड़े पहनेंगे अगर वो डेजर्ट्स में रहते हैं तो उनके लिए सर्च ऑफ़ फूड्स एंड वेज फूड्स वगैरह को सर्च करेंगे और बार्टर्स वगैरह को सर्जन करते हैं ठीक है वो खाना बेजोश की ज़िंदगी गुजारते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो पानी और ख़ुराक की तलाश में फिरते हैं इसी तरीके से अगर आप जो है पहाड़ी इलाकों में लोगों को देखें तो वो पहाड़ी इलाकों के जो लोग रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं और अगर जब स्नोफॉल होती है तो जो पैनलाइज हो जाती है लाइफ और वहाँ पे जो है वो वार्म क्लोथ पहनते हैं गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और पर कोट पहनते हैं ठीक है इसके बाद जो है आपकी वेजिटेबल्स वेजिटेशंस में आपके आ जाती हैं फ्रूट्स वेजिटे फ्रूट्स भी आ जाती हैं आपकी पल्सेस इसी तरीके से दालें वगैरह और जितने भी क्रॉप्स हैं जिससे आपको जिन फसलों से आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्सेस गंदुम ठीक है बीट्स शुगर और जो डिफरेंट वाइटीज़ ऑफ द हम कह लें हमारे पास क्रॉप्स uh, हासिल होती हैं ठीक है और वो क्रॉप्स जो होती हैं वो वेजिटेशंस कहलाती हैं और वेजिटेशंस के ज़रिए से हम अपने खुराक का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए ठीक है और ह्यूमन बींग्स में अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स भी सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है ठीक है और हमारी जो है वो अगर दूसरे एनिमल्स जिनको हम नहीं खाते तो वो खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए ये भी नेचुरल इन्वामेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं ठीक है थीके? अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर खाने में देख लें तो काव और गोड्स वगैरह ठीक है इनसे मिल्क वगैरह हासिल होता है तो ये मुझ, जो पीपल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है ह्यूमन बींग्स के ठीक है इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर ये चार चीज़ें हों तो नेचुरल इन्वामेंट बनता है और अर्थ ये हमें प्रोवाइड कर रहा है तो इसलिए हम अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं ठीक है लिथोसप लैंड द पोर्शन ऑफ लैंड लैंड ऑफ अर्थ इज कार्ल लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर द पोर्शन ऑफ वाटर ऑफ अर्थ इज कार्ल्ड हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स हैं ठीक है द स्वेयर ऑफ लाइफ इज कार्ल्ड बायोस्फीयर एटमोसफेयर एयर यानी द गैसेज इनर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कार्ड एटमोसफेयर ठीक है ये चारों चीज़ें अगर होंगी तो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट बनेगा और नेचुरल इन्वायरमेंट के सर्वाइवल होगी ठीक है इसी तरीके से क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और जो है आप लोगों की खुराक और जिसके अंदर वेजिटेशन एंड एनिमल्स आगे ये आपको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ह्यूमन बींग के लिए ठीक है तो इट इज़ सूटेबल फॉर द ह्यूमन बींग्स ठीक है अर्थ इज़ सूटेबल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड इट इज़ आल्सो गिव अज नेचुरल इन्वामेंट या हमें नेचुरल इन्वामेंट भी दे रही है सही है एडवाटेजेस ऑफ फॉरेस्ट एडवाटेजेस ऑफ फॉरेस्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ था उसमें हमने ऑलरेडी टर्न कर चुके हैं लेकिन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के डिमांड है और लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी आप फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट हाफ क्वेश्चन कर चुके हैं हाफ क्वेश्चन आप रिमेनिंग रहकर जिसमें हमने एडवांटेजेस ऑफ़ फॉरेस्ट कहने हैं वो हम देखाइज कर, ले, कर लेते हैं ठीक है तो इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस इन्वामेंटल इम्पोर्टेंस अगर आप देखो तो माहौलिया अहमियत बहुत ज़्यादा रखते हैं फॉरेस्ट ठीक है नेच, नेचर के लिए अगर हम देखें ना रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड ह्यूमन बीइंग्स का जो ना, hard, है ना फॉरेस्ट के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है लेम्बरिंग एंड गैदरिंग शर्ब्स आपकी बुक के पेज नंबर फोटी पर यू कैन सी इट शर्ब्स एंड हर्ब्स एंड फ्रूट्स is an इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपकी जड़ी बूटियों के जरिए से जो अद्वियात तैयार की जाती थी उससे लोगों लोग अपना इलाज करते थे इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हासिल होती थी और ये जो है पुरानी सरगर्मी थी जिससे लोग हासिल करते थे इब्तदाई सरगर्मी थी और अब भी ये सरगर्मी इस्तेमाल होती जिसमें हम Um, जो है हार्ड्स uh, और शब्स हासिल करते हैं और वो हमारी वाइटिस होता शर्ब्स हासिल करते हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं ठीक है इसके अलावा जो है अगर आप देखो आ, ये पिक्चर है इसके थ्रू मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आई यानी ये आपका ट्री है ठीक है ट्रीज़ के जरिए से हम जो हैं वो हासिल करते हैं लकड़ी ठीक है लकड़ी हासिल की उस लकड़ी हासिल करने के से फर्नीचर्स भी बनता है आपका ठीक है पेपर भी बनते हैं पेपर्स बनने के साथ साथ आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आप हासिल करते हो फॉरेस्ट से और दूसरी बात ये कि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देता है ठीक है जो जो है फ्रीज वग़ैरह हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन जो है एक अगर आप ज़मीन के ऊपर हो अर्थ के ऊपर हो तो उसके लिए सर्वाइवल करने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ज़मीन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो हो जाएगा लोगों लोग जो हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं और नेचुरल इन्वामेंट के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है इस लकड़ी के ज़रिए से लोग अपने घर भी तमीर करते हैं माउंटेंस के ऊपर और ये जदीद तामीरात भी हो रही हैं इससे ठीक है और बर्ड्स भी इसमें रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर्स पेपर्स एंड शिप नेचुरल रबर यानी कुदरती रबर हासिल किया जाता है पेपर्स बनाए जाते हैं और फिश भी इससे लकड़ी से बनती है ठीक है अब इसके अलावा जो है वो आपके लिए इन्वामेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करने के लिए फौरस इंपॉर्टेंट से रखता है सही आपने कल जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो सैटरडे को किया था वर्क वो आपने इनशाला यू कैन डन इट हाफ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वामेंट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ हाफ पार्ट अब आज हम हाफ पार्ट करेंगे कंप्लीट इस क्वेश्चन को कर लेंगे यू कैन राइट द डेट ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी वन होमवर्क एंड मंडे फोरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स अगर आपके बुक के यानी कॉपी का जो पेज है कॉपी के लास्ट में अगर कुछ स्पेस है या नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करें तो नेक्स्ट पेज पे बेशक आपके दो तीन लाइन्स आकर नेचुरल एनवायरनमेंट की लिखी हुई है तो आप उसी के ऊपर जो है आज की डेट दे दें ठीक है आ, जो पेपर्स जो आपकी जो स्टार्ट करने का जहाँ से आप पेपर स्टार्ट करते हो तो वो ऊपर वहाँ पे आप डेट दे दो आज ठीक है और अगर आपका पीछे से स्टार्ट करो तो बेशक डेट ना दो ठीक है टैच रिपेन ऑन यू ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी वन होमवर्क मंडे आप लिखेगा पोरस एंड ह्यूमन बींग्स जंगलात और इंसान ठीक है नंबर वन है द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींगस विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड इंसानी ज़िंदगी का जो है फॉरस्ट आप बहुत अच्छा ताल्लुक हैं नंबर टू फॉरेस्ट नॉट ऑनलीहैेंस द ब्यूटी ऑफ नेचुरल बट आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ना सिर्फ यह खूबसूरती को ठीक है कुदरती माहौल की खूबसूरती को इनहेंस करता है बढ़ाता है बल्कि ऑक्सीजन का भी एक जरिया है ठीक है मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है नंबर थर्ड जो है वो मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर पेपर्स एंड शिप्स आर डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे आप बनाते हो नेचुरल रबर के पेपर का शिप्स का वो भी आपका जंगलात पे डिपेंड करता है और लास्ट पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट विच एज चीपली कनेक्शन विद लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींगस क्लाइमेट आबो हवा भी आपकी इफेक्ट करती है फॉरेस्ट uh, uh, के जरिए से ठीक है इनशाला आपको ये समझ आ गया कि यू कैन राइट द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द Oh, of this! Ah, yeah. <sighs>